इससे पहले कि मैं इंडिया का सवाल कार्यक्रम की ओर आगे बढ़ूं, इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, समाजवादी पार्टी की रैली का मामला। अखिलेश यादव की वर्चुअल प्रेस वार्ता में जुटी भीड़ पर, जी हां, लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने प्रशासन के तहत, जी हां, कोविड नियमों के तहत उल्लंघन का मामला जो उनके सामने लाया गया, उसके बाद कार्रवाई शुरू। पुलिस की टीम पहुंची समाजवादी दफ्तर, पुलिस की टीम कर रही है छानबीन जांच। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रशासन ने शुरू की कार्यक्रम स्थल पर जांच। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ में आज स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी की वर्चुअल प्रेस वार्ता में जुटी भीड़ को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। कोरोना गाइडलाइन के तहत जुटे लोगों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन सख्त। इस वक्त की बड़ी खबर, शाम तक आएगी रिपोर्ट। सचेत सजग सुरक्षित चुनाव कराना ही हमारा ध्येय है, चुनाव आयोग ने कहा था जिस दिन 5 राज्यों की तारीखों का ऐलान किया था। जी हां, समाजवादी पार्टी आज लखनऊ में जब वर्चुअल प्रेस वार्ता, जी हां, बीजेपी से बगावत कर उनके पाले में आए तमाम नेता जुटे, तो उनके सामने जुटी भीड़ को लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। आज लखनऊ के समाजवादी पार्टी के दफ्तर में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। वो नियम जो चुनाव आयोग ने सियासी दलों के लिए जारी किए थे ताकि कोरोना के रफ्तार पर नियंत्रण रखा जा सके। याद रहे पिछले 24 घंटे में 2,64,000 मामले आए, लेकिन समाजवादियों की साइकिल की रफ्तार ने आयोग के नियमों को यह कहा जाए कि कुचल कर रख दिया। दरअसल मौका था बीजेपी का दामन छोड़ साइकिल पर सवार होने आए विधायकों की समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने का, लेकिन शक्ति प्रदर्शन की होड़ में, जी हां, सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया और चुनाव आयोग के सामने चुनौती पेश कर दी। इस पर अपने मेहमानों से बात करें, उनकी राय लें, इस पर बहस करें, लेकिन उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल न्यूज इंडिया की ये रिपोर्ट। सो अप टू 15th of January, बिकॉज द सिचुएशन इज डायनेमिक, इट इज नॉट स्टैटिक, नो रोड शो, नो पदयात्रा, नो साइकिल बाइक और व्हीकल रैली एंड एनी प्रोटेस्ट। सुना आपने, देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कोविड के खतरे से जनता को बचाने के लिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कैसे सावधानी बरतनी चाहिए इसके लिए गाइडलाइंस जारी की। अब इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर लखनऊ के समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर का है, जब स्वामी प्रसाद मौर्य सहित कई विधायकों ने बीजेपी का दामन छोड़ साइकिल पर सवार होने के लिए पार्टी की सदस्यता लेने पहुंचे थे। इस दौरान चुनाव आयोग की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा दी गई। नियमों के मुताबिक जिस सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम को साधारण होना चाहिए था, उसे समाजवादियों ने रैली में बदल दिया, बिना इस बात की परवाह किए कि इसके कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इतना ही नहीं, एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के निर्देशों का मखौल उड़ाते हुए मंच से ही ऐलान कर दिया, समाजवादी डिजिटल पर नहीं फिजिकल पर ज्यादा विश्वास करते हैं। साइकिल को नहीं भूलेंगे और साइकिल की रफ्तार को बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि चुनाव ऐसा भी होगा, ये जो वर्चुअल नाम आ गया कि वर्चुअल रैली होंगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम लोग अपनी बात कहेंगे, ये सही है कि वर्चुअल और डिजिटल में भी हम लोग जानते हैं चीजें, लेकिन जो ताकत हमारे कार्यकर्ताओं में फिजिकल है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। समाजवादी पार्टी के इस नाफरमानी ने चुनाव आयोग के सामने चुनौती खड़ी कर दी है।
चुनौती ये है कि अगर सियासी दल इसी तरह से अपनी मनमानी करेंगे तो चुनाव आयोग क्या कदम उठाएगा, किस तरह से विधानसभा चुनावों को सुरक्षित किया जा सकेगा। अगर चुनाव आयोग की 15 जनवरी तक की गाइडलाइंस की बात करें तो जनसभाओं, साइकिल, बाइक रैली और पदयात्रा पर रोक लगाई गई थी। हर तरह की फिजिकल सभा और रैली पर रोक है। डिजिटल माध्यमों से प्रचार पर जोर दिया गया है। दूरदर्शन पर राजनीतिक दलों का समय दोगुना किया गया है। डोर टू डोर ही चुनाव प्रचार की अनुमति दी गई है। निर्देश नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है। अब सवाल उठता है कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जो कुछ हुआ, कोविड नियमों की सीधे सीधे जो अनदेखी की गई, उस पर चुनाव आयोग क्या एक्शन लेगा? क्या इस रैली के जिम्मेदार लोगों पर आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा ताकि दूसरे दलों के लिए ये एक सबक बन सके? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी हाँ, आपने हमारी रिपोर्ट देखी। दूसरी तरफ आपको पता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित हैं। हर दूसरे दिन वो बड़े अधिकारियों और बड़े अधिकारियों के अलावा मुख्यमंत्रियों से भी बात करते हैं कि आखिर कोरोना की इस तीसरी लहर से कैसे बचा जाए। जी हाँ, इसको कैसे हराया जाए। लेकिन सियासी प्रवृत्ति होती है, जी हाँ, हमें इसकी कोई चिंता नहीं। वो तो नेताजी के सामने जब भीड़ जुटेगी तो नेताजी का हौसला और मनोबल बढ़ता है कि मेरे साथ इतने लोग हैं। आइए इसी पर बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ, जी हाँ, 4 दशकों से ज्यादा भारतीय पत्रकारिता की हर विधा को काफी करीब से देखे जाने समझे जाने वाले ऐसे वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल हमारे साथ खास तौर पर जुड़े हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्र, हमारे साथ कांग्रेस की नेत्री जी हाँ तेज तर्रार, जी हाँ सृष्टि कश्यप सिंह हमारे साथ हैं, और हमारे साथ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर, एम आई राइट, डॉक्टर अभिषेक राय, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर राय, मैं सबसे पहले आप ही से शुरू करना चाहूंगा। चुनाव आयोग 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान करता है। देश में पैंडेमिक है जिसे महामारी कहते हैं। चुनाव आयोग खुद आखिर इस दौर में कैसे चुनाव कराए जाएं, उन सारी गाइडलाइंस के तहत चुनाव आयोग कहता है कि हम बूथों की संख्या बढ़ा रहे हैं, हम बूथ पर मतदाता जब पहुंचेगा उसकी संख्या घटा रहे हैं, मास्क लगाना जरूरी, सामाजिक दूरी जरूरी। आज आपकी प्रेस वार्ता वर्चुअल, मैं नहीं कह रहा, आपके मंच के बैनर पर लिखा हुआ है। डॉक्टर अभिषेक राय, पहली बार, जी हाँ, 3 दशक से ज्यादा मैंने भी टीवी की पत्रकारिता की है, मैं ये समझना चाहूंगा कि आखिर प्रेस वार्ता में कार्यकर्ताओं का क्या लेना देना, प्रेस वार्ता के आंगन में इनका क्या काम? देखिए मनीष जी, हमारे यहाँ जो सारे नियम जो होते हैं, प्रोटोकॉल कोरोना के सारे फॉलो होते हैं, लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य और बहुत सारे विधायकों की ज्वाइनिंग थी, तो अब उनके उत्साहित समर्थक जो है, हम किसी को कंट्रोल तो कर नहीं पाते, वो सारे उत्साहित समर्थक वहां बाहर आ गए। बहुत सारे टिकट के अभिलाषी लोग भी बाहर रहते हैं, क्योंकि आजकल चुनाव है, अभी टिकट हमारी पार्टी के डिक्लेयर नहीं हुए। हमारी वो वर्चुअल रैली ही थी, क्या कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें हमने किसी को वो नहीं बुलाया था, लेकिन कहते हैं ना, अति उत्साहित भीड़। जब हम लोगों की पार्टी की तरफ से स्पष्ट दिशा निर्देश थे कि जो लोग आज ज्वाइनिंग करने आ रहे हैं वो सिंगल आएंगे और सिंगल आके ज्वाइनिंग करेंगे, हम वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के माध्यम से हम सबको बताएंगे कि ये लोग हमारे साथ आ गए। लेकिन अति उत्साह में जो जनता इतनी परेशान है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, अति उत्साह में उनके समर्थक, उनके लोग साथ में चले आए, तो हम उसके लिए हम कहां से उत्तरदायी? हमने उस चीज को कहां मना किया? हमने जो कोरोना प्रोटोकॉल हम पालन कर सकते थे हमने उसको किया। हम जो भी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश है, हमने अपना विजय रथ रोक दिया, हम रैलियां नहीं कर रहे। हमने अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा कि भाई आप डॉक्टर राय, यू आर अ लर्नड डॉक्टर,
आप खुद एक डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर अभिषेक राय। मैं फिर एक बार अपने पीसीआर से कहूंगा कि अखिलेश यादव, आपके पार्टी सुप्रीमो ने मंच से क्या कहा? जी हाँ, साइकिल की रफ्तार इसी तरह जारी रहेगी। और चुनाव आयोग ने क्या कहा था ये भी आपको पता है, न पद यात्रा होगी, न रैली होगी, न साइकिल रैली होगी। लेकिन 15 तारीख का इंतजार तो हो जाता डॉक्टर राय, आखिर भीड़ को नियंत्रण करने का जिम्मा किसका है? डॉक्टर राय, मैं आपके पास आऊंगा, हमारे साथ विश्लेषण के लिए राजेश बादल भी हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। लेकिन पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा डिजिटल और वर्चुअल रैली को लेकर, आइए फिर एक बार आपको सुनवाते हैं। तो साइकिल को नहीं भूलेंगे और साइकिल की रफ्तार को बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि चुनाव ऐसा भी होगा, किसी ने सोचा नहीं था कि चुनाव ऐसा भी होगा। ये जो वर्चुअल नाम आ गया कि वर्चुअल रैली होंगी, डिजिटल प्लेटफॉर्म से हम लोग अपनी बात कहेंगे, ये सही है कि वर्चुअल और डिजिटल में भी हम लोग जानते हैं चीजें, लेकिन जो ताकत हमारे कार्यकर्ताओं में फिजिकल है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये वर्चुअल और डिजिटल चलेंगे तो हम समाजवादी लोग डिजिटल, वर्चुअल और फिजिकल भी चलेंगे, घर घर गांव गांव जाएंगे। जी हाँ, आप सुन रहे थे समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव। डॉक्टर अभिषेक राय हमें बता रहे थे कि उन्होंने नहीं बुलाया, लेकिन स्वयं स्फूर्त होकर, जी हाँ, बड़े नेता आज पार्टी में शामिल हो रहे थे, सदस्यता ले रहे थे, तो वो लोग आ गए। आखिर इस भीड़ को नियंत्रण करने का जिम्मा किसका है? डॉक्टर राय, मैं आपसे चाहूंगा कि आप एक बार अखिलेश यादव ने जो अभी कहा मंच से कहा, जी हाँ, कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां तो उड़ती दिखी मंच पर, ना तो मास्क दिखा, ना सामाजिक दूरी दिखी, लेकिन उसके बावजूद जो कहा जा रहा है डिजिटल वर्चुअल तो चलता रहेगा, हमारा कार्यकर्ता तो फिजिकल पर विश्वास रखता है और साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी। डॉक्टर राय, मैं उसी चीज का जवाब दे रहा हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो चुनाव आयोग ने नियम बनाया है कि डोर टू डोर 5 कार्यकर्ता जा सकता है, हर घर जा सकता है 5 कार्यकर्ता, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसी बात को कहा कि हमारे कार्यकर्ता की फिजिकल फोर्स बहुत मजबूत है, हम बूथ पे बहुत मजबूत है, अब घर घर जाओ और ये चुनाव हमें जीतना है। साइकिल की रफ्तार धीमी नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि हमें इस चीज की आदत नहीं, ये नए तरीके का चुनाव है, नए तरीके की चीजें हो रही है, वर्चुअल और डिजिटल और सारी बातें हो रही है, इससे कार्यकर्ता कंफ्यूज ना हो और हर गांव में 5-5 की टीम बना के हर दरवाजे पे जाए और उन्हें बताए कि समाजवादी पार्टी की क्या नीति है, क्या सिद्धांत है और वो जनता की भलाई के लिए क्या करना चाहते हैं। कहते हैं ना कि समझने को हर चीज का पॉइंट होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फिजिकल से यही मतलब था। वहां पे हमारे साथ एक और डॉक्टर है। आज इंडिया का सवाल कार्यक्रम में एक खास बात यह है कि दोनों राजनीतिक दलों के जो नुमाइंदे हैं, जी हाँ, एक तरफ डॉक्टर अभिषेक राय और दूसरी तरफ बीजेपी के जो प्रवक्ता है बादल साहब, मैं जब आपके पास आऊंगा और आपसे सवाल करूंगा तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आज दोनों डॉक्टर हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्र। जी हाँ डॉक्टर मिश्र, काडर बेस्ड पार्टी के लिए कार्यकुशलता और जो संगठनात्मक कौशल्य होता है वो ये होता है कि अपने काडर को कैसे काबू में रखें, लेकिन आज समाजवादी पार्टी की वर्चुअल प्रेस वार्ता, जी हाँ, मेरे करियर की ये पहली प्रेस वार्ता है और मुझे ऐसा लगता है जो मेरे वरिष्ठ रहे हैं राजेश बादल भी, 4 दशक से ज़्यादा पत्रकारिता को इतने करीब से देखे हैं, मैं आपसे भी पूछूंगा भाई साहब कि आखिर 4 दशक में आपने इतनी बड़ी प्रेस वार्ता देखी है क्या? लेकिन आप थोड़ा इंतज़ार करें डॉक्टर कौशल कांत मिश्र। डॉक्टर मिश्र, हो सकता है डॉक्टर राय ये कह दें कि हमारी भीड़ तो आपको दिख गई, दिल्ली के दफ्तर में आपके दफ्तर के सामने लगी भीड़ आखिर हम क्यों नजरअंदाज कर देते हैं? डॉक्टर मिश, जो सिमिलरिटी बताई, एक सिमिलरिटी मैं और बताना चाहता हूँ कि जैसे डॉक्टर राय ऑर्थोपेडिक सर्जन है, मैं भी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ यहाँ पे दिल्ली में, तो ये तो जस्ट एक मजाक की बात है। खैर, जो मैं, डॉक्टर राय ने बहुत अच्छी तरह से पक्ष रखा अखिलेश जी का, पर मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं और डॉक्टर राय से नहीं, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, अगर कोरोना प्रोटोकॉल का इतना ख्याल था तो मैं पूछना चाहता हूं स्टेज पे जो भीड़ थी उनके चेहरे पे एक भी मास्क क्यों नहीं था? डॉक्टर राय तो खुद एक डॉक्टर है, ठीक है, राजनीति है, प्रोटेक्ट करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन जो कमी है वो कमी तो रहेगी। और जो अखिलेश जी ने बोला
कि हम फिजिकल ज्यादा ताकतवर हैं और डिजिटल भी हमको आता है। अगर फिजिकल ताकतवर, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा कार्यकर्ता डिजिटल, वर्चुअल और फिजिकल जाएगा, और उसके बाद जिस तरीके की आपने देखा भीड़ से आवाज आई, तो उससे यही चीज नजर आती है कि जो हमेशा से समाजवादी पार्टी की एक छवि रही है गुंडागर्दी की, और फिजिकल का असली मतलब जनता समझती है कि हाथ पैर का इस्तेमाल करना, तो गुंडागर्दी वाली सरकार है। आपने देखा जिसका पहला एग्जाम्पल कल 15 तारीख का इंतजार नहीं किया, 14 तारीख को जितने सारे लोग, मैंने भी वो रैली भी कह सकता हूं मैं, जिसमें कि और प्रेस वार्ता का नाम दिया गया था, उस प्रेस वार्ता, ये एक ऐसी प्रेस वार्ता थी जिसमें शायद प्रेस वाला कोई नहीं था, लेकिन वो प्रेस वार्ता थी। तो जिस तरीके से, और मुझे याद है कि जब चुनाव आयोग ने ये बोला था कि कोरोना प्रोटोकॉल का फॉलो होगा, तो सारे इत्तफाक से मैं और डॉक्टर राय साथ में बैठे थे, और हम दोनों ने कहा था कि दोनों पार्टियों के लोग कोरोना प्रोटोकॉल का ज्यादा से ज्यादा फाइल उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो नजर आ रहा है वो हकीकत नहीं है, वो अलग की बात है कि वो सब चीज दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करे, बट प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी का ये चेहरा याद करती है, उसे याद है ये गुंडों की सरकार रही है, और दोबारा अभी तो सरकार बनी नहीं है, उसके बाद देखिए चुनाव आयोग के सामने गुंडागर्दी शुरू हो गई है। अभी देखिए आपकी रिपोर्ट से पता चला कि डीएम ने शायद कुछ कंप्लेन की है, तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव परचम परवान चढ़ेगा वैसे वैसे गुंडागर्दी बढ़ेगी, और आप देखेंगे कि प्रदेश में जब तक चुनाव नहीं होता 10 तारीख तक इनकी गुंडागर्दी चलेगी, 10 तारीख के बाद इनकी गुंडागर्दी समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सारे गुंडे दोबारा जेल की सलाखों के पीछे होंगे। डॉक्टर कौशल मुझे ऐसा लगता है 10 मार्च तक का इंतजार करना चाहिए। हमारे साथ सृष्टि कश्यप सिंह है। सृष्टि, मुझे विश्वास है आप क्या कहेंगी, आपके मन में जो चल रहा है मैं आपके चेहरे को पढ़ रहा हूं, आप एक ही चीज कहेंगी, अरे मनीष जी आप क्या बात कर रहे हैं, हमारी नेत्री ने तो सबसे पहले इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, चुनाव आयोग के पहले कह दिया था कि हम सारी रैलियां वर्चुअल और डिजिटल करेंगे, लेकिन आखिर इस भीड़ का क्या करें जो नेताओं को बड़ा लुभाती है। मनीष अवस्थी जी, आपने तो मुंह की बात छीन ली, मैं यही कहने वाली थी कि प्रियंका गांधी जी ने तो सबसे पहले घोषणा की थी ये बात, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से जनहित को सर्वोपरि रखा है। और अगर हम कोविड काल की भी बात करें तो यूथ कांग्रेस के जो हमारे वॉलंटियर्स थे, जितने भी साथी थे, कोविड के फर्स्ट और सेकेंड वेव में सड़कों पे उतर के लोगों की मदद की थी, अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी। तो कांग्रेस हमेशा से ही, अब जब से हमारे देश पे कोविड का ये प्रकोप आया है, तब से हमेशा से फ्रंट लाइन पे खड़ी रही है लोगों की मदद करने के लिए। और आज जैसे कि आप जनता और भीड़ की जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस में आपको ऐसा एक भी इंस्टेंस नहीं मिलेगा जब से प्रियंका गांधी जी ने ये आश्वासन दिया है कि हम कोविड प्रोटोकॉल्स का फॉलो करेंगे, गाइडलाइंस का फॉलो करेंगे, तब से कांग्रेस ने ऐसी कोई भी ना रैली की है ना कोई वर्चुअल प्रेस मीट की है। कल का भी अगर आप प्रियंका गांधी जी का संबोधन सुनेंगे वो जूम मीटिंग के द्वारा थी, ना कोई भीड़ बुलाई गई, ना ही लोगों की जान को जोखिम में डाला गया, क्योंकि ये जो है हमारे लिए जनता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भीड़ से कुछ नहीं होगा अगर वहां वापस जाके वो भीड़ 10 लोगों को और संक्रमित करे, उनकी जान पे बनाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरीके से हैं वो हम सबको पता है, हमने वो बदहाली देख ली है, झेल ली है। जब हमारी सड़कों पे जनता उतर आई थी, सड़कों पे मरने को मजबूर थी ऑक्सीजन की कमी की वजह से, और जो नदियों में लाशें तैर रही थी, और न्यूयॉर्क पोस्ट और वॉशिंगटन टाइम्स के फ्रंट पेज पे जो हमारी देश की तस्वीर छपी थी, उसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले जनहित को सर्वोपरि रख के अपने सारे कार्यक्रम को स्थगित किया था। सृष्टि जी, सृष्टि में जितने राजनेता होते हैं वो केवल यही कहते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हालांकि ये नारा किसी और सियासी दल का है, लेकिन सियासत का ये गुणधर्म होता है कि वो कह रहे हैं जो हो रहा है हम आप ही के हित के लिए कर रहे हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारे बीच, इसको आप लेकिन गलत नहीं सकते, आऊंगा सृष्टि जी आऊंगा। आगे बढ़ते हैं हमारे बीच, 4 दशकों से ज्यादा हर विधा को पत्रकारिता की जिसने करीब से देखा है, ऐसे राजेश बादल हमारे साथ है। राजेश जी आपका स्वागत है, और सबसे पहला सवाल, आज अगर आपने तस्वीरें जिस समय ये कार्यक्रम शुरू हुआ, और चूंकि आप लगातार हर होने वाली घटना पर अपनी टिप्पणी करते हैं, जो तस्वीरें आज आपने लखनऊ में प्रेस वार्ता की देखी है, क्या आपके जीवन काल में इस तरह की प्रेस वार्ता आपने देखी है? ये वही नेता वही सियासी दल हैं जो जनता के लिए चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, ये जानते हुए कि रोज 2.5 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज आ रहे हैं,
लगभग 400 से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन भीड़ आएगी। देखिए मनीष जी, आपने सचमुच में जो दृश्य दिखाए हैं वो मुझे विचलित करने वाले हैं, और विचलित करने वाले इसलिए हैं कि चुनाव आयोग ने किसी व्यक्तिगत हित के में ये बात नहीं कही थी कि कोई वर्चुअल एड्रेस नहीं होगा। टेक्निकली तो देखिए वर्चुअल रैली भी कुछ नहीं होता है, वर्चुअल एड्रेस हो सकता है। वर्चुअल रैली का मतलब तो ये हुआ कि बोलने वाला जो स्पीकर वक्ता है वो कहीं एक जगह बैठा हुआ है और सुनने वाले लाखों की तादाद में इकट्ठे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। वर्चुअल रैली का चुनाव आयोग से मंशा ये थी, आशा ये था कि वक्त जो बोलने वाला है वो अपने घर से एड्रेस करे, अपने ऑफिस से एड्रेस करे, और सब लोग उसके अपने कंप्यूटर या फोन पर सुने, कोई भी मैदान में इकट्ठा ना हो। तो वर्चुअल एड्रेस का मतलब तो ये है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ, विचलित मुझे इसलिए करने लग रहा है कि जिस पार्टी को समाज की सेहत की चिंता नहीं है उसका नाम समाजवादी पार्टी है, क्यों नहीं उसको असामाजिक पार्टी कह देना चाहिए? और इसीलिए अभी तो पार्टी सत्ता में नहीं आई है, जो आरोप इस पार्टी के ऊपर लगते रहे हैं कि जब 5 वर्षों के दरमियान इस पार्टी का जो शासन था तो उन्होंने बहुत ही दबंगई देखी थी किसी खास जाति की, और जिस तरह की दबंगई जो देखी थी, यानी अभी सरकार सत्ता में नहीं आई, चुनाव हुए नहीं, और चुनाव आयोग के निर्देशों की आचार संहिता की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो ये बात मेरे समझ से परे है। मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह से खुल्लम खुल्ला, आज 14 तारीख है, 15 तक चुनाव आयोग ने आपको रोका है, परसों चुनाव नहीं है, 15 के बाद आपको रिव्यू करने के लिए अवसर देना चाहिए था, रिव्यू करता और चुनाव आयोग अगर फिर बढ़ाता है तब आप क्या करेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है। अफसोस की बात यह है मनीष कि आचार संहिता को चुनाव आयोग के पास कोई हथियार, कानूनी हथियार नहीं है। आचार संहिता को कानूनी दर्जा के देने के मामले में मई 1990 में जब दिनेश गोस्वामी जी केंद्रीय लॉ मिनिस्टर थे तब एक सिफारिश, एक कमेटी बनी थी, सभी दलों की कमेटी थी, मैं दोहरा रहा हूं, और इसने ये सिफारिश की थी कि आचार संहिता को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि तब से आज तक ऐसा नहीं हुआ, और इसलिए जो अप्रिय दृश्य हम देख रहे हैं, जो हमारे सामने आ रहे हैं, जो नहीं होने चाहिए, मैं एक समाजवादी पार्टी का असामाजिक दृश्य देख रहा हूं। भाई साहब, मैं आपसे एक और जानना चाहूंगा। बादल जी, मेरा सवाल आपसे एक और है कि आपके 4 दशक से ज्यादा की पत्रकारिता के अनुभव में क्या इस तरह की आपने कोई प्रेस वार्ता देखी है? मैंने तो कभी नहीं देखी मनीष जी इस तरह की प्रेस वार्ता जो सब जनसभा की तरह हो जाए और जिसमें कार्यकर्ता, लेकिन हाँ एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि कुछ नेता ऐसे रहे हैं जिन्होंने जब आए वो पत्रकार वार्ता के लिए तो देखा गया कि सारे उनके साथ में 100, 150, 200, 400 कार्यकर्ता भी आ गए, पत्रकारों के बैठने के लिए जगह नहीं थी और वो कुर्सियों पर डट गए। तो विरोध में हमने 2 बार बहिष्कार किया और उनसे निवेदन किया कि जब तक आपके कार्यकर्ता इस हॉल से बाहर नहीं जाएंगे तब तक हम सवाल एक भी नहीं पूछेंगे, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है तो करिए, नहीं करना हो तो मत करिए। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले ने इस तरह से अपील की कि सारे कार्यकर्ता बाहर चले जाएं तो 1 या 2 बार ऐसी नौबत आई है, लेकिन ऐसा तो ऐसी, मतलब मैं दबंगई शब्द आमतौर पर बहुत अश्लील मानता हूं, लेकिन ऐसी दबंगई मैंने कभी नहीं देखी। जी बादल साहब, आप बने रहें। जी हाँ, शब्दों की मर्यादा और संजीदगी लगातार हम आपको देखते, सुनते और पढ़ते आए हैं, और वो उसका परिचय आज आपने इस स्क्रीन पर भी दिया। जी हाँ, हमारे साथ दो प्रवक्ता हैं, दो प्रवक्ता खास तौर पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों डॉक्टर हैं। समानताएं आप देखिए, दोनों की समानताएं अगर आप देखें तो इस स्क्रीन पर मैं PCR से कहूँगा कि दोनों को सेम फ्रेम में लाएं। मैं ये कहना चाहूँगा डॉक्टर कौशल कांत और डॉक्टर राय, डॉक्टर राय आपके सिर पर जो लाल टोपी होनी चाहिए थी आज आपके सिर पर लाल टोपी नहीं है, और डॉक्टर कौशल कांत मिश्र के ऊपर लाल छतरी जरूर है। डॉक्टर कौशल कांत इस समानता का भी ख्याल रखिएगा। डॉक्टर अभिषेक राय, आपने राजेश बादल जी को सुना, बादल जी कह रहे हैं कि इस तरह का आचरण अपने आप में चिंता का विषय है, और आप तो खुद एक डॉक्टर, ये देखिए आपके फ्रेम में दो डॉक्टर, दो पार्टियां, दोनों की अलग अलग राय, और अलग अलग राय के साथ डॉक्टर राय के सिर पर लाल टोपी की उम्मीद थी,
डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा लाल छतरी लिए बैठे हैं। डॉक्टर राय, डॉक्टर राय तो देखिए आज बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन एक समानता नहीं है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा कह रहे हैं कि हम ऐसी भीड़ नहीं जुटाते जैसी आज आपने अपनी प्रेस वार्ता में जुटा ली। देखिए मनीष जी, हमने कोई भीड़ नहीं जुटाई। जब भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे टाइम, अभी मैं कौशल जी को सुन रहा था, सारी बातें सुन रहा था, कह रहे थे मास्क और सारे प्रोटोकॉल्स। हमारे पार्टी कार्यालय में अगर आप चले जाएं, जितने भी वहां पे कार्यालय के कर्मी हैं या जितने भी वहां पे नेता हैं, जो भी है, वो लोग सारे पूरे कोरोना प्रोटोकॉल्स को, चाहे सैनिटाइजर हो चाहे मास्क हो, वो सारे पे बोलते हैं। जब प्रेस के लिए मीडिया के कर्मियों ने बोला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि आप लोग मास्क हटा लें, मैं फोटो ले लूं, तो वो मास्क हटे और बिना कहते अगर आपको भाषण देना, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने इस समय मास्क नहीं लगा रखा है, क्यों? बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ मनीष जी, कि उस समय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपना मास्क हटाया। रही बात कि हमने बोला था, हमारी पार्टी का स्ट्रिक्ट दिशा निर्देश था कि सब लोग अकेले आएंगे, ज्वाइन करेंगे, हम वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उतने उत्साहित समर्थक है कि वो भारतीय जनता पार्टी का समूल नाश करना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से एकदम तंग आ चुके हैं। तो उनको ये लगता है कि भाई हम अपनी ताकत दिखाए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, हम लोगों ने हमारे कार्यालय से जितनी भीड़ अंदर थी उससे ज्यादा भीड़ रोज भारतीय जनता पार्टी के रहती, इनके भी टिकट काटती बहुत है, जैसे हमारे है वैसे इनके है। तो ये कहते हैं ये समानता की बात अलग है, लेकिन हम सबको कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मास्क की जरूरत है, सारी चीजें हम इस बात को मानते हैं। और हमने इस बात के लिए, जैसे आपने कहा ना कि वर्चुअल रैली आज तक, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं देखी, ये सबके लिए नया है, आज तक इस तरह चुनाव भी कभी नहीं लड़ा गया। तो जो भी कहते हैं ना त्रुटियां होती है उनको सुधारा जाएगा और आगे से इस बात का, डॉक्टर राय चिंता का विषय ये है, बादल जी जो कह रहे थे, चिंता का विषय ये है कि अगर चुनाव आयोग ने कोई गाइडलाइन बनाई है तो क्या चुनाव आयोग की चाबुक का सियासी दलों पर कोई असर पड़ता है या नहीं? जी हाँ, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मैं आपको एक चीज मनीष जी जवाब देना चाहता हूँ, जाते जाते मतलब आप ब्रेक पे जाने से पहले, मैं बहुत सीरियस है, चुनाव आयोग की चाबुक का डर है, सबको होना चाहिए, हर राजनीतिक दलों कहते हैं इसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। हमने कब कहा, हमने कौन सी रैली करी, क्या कोई कार्यालय में अपनी रैली कर सकता है? ये मसला डॉक्टर राय सिंस यू आर ए डॉक्टर, सिंस यू आर ए डॉक्टर, आज मेरे साथ कोई लर्नेड काउंसिल नहीं है प्रवक्ता के रूप में, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि इट्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। जी हाँ, वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे और चर्चा करेंगे कि क्या चुनाव आयोग को लेकर वाकई सियासी दल सीरियस यानी कि गंभीर है या नहीं, या चुनाव आयोग को केवल टूथलेस टाइगर के रूप में देखते हैं। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद इंडिया का सवाल में फिर आप सबका एक बार स्वागत है। इससे पहले कि मैं इंडिया का सवाल की बहस की ओर आगे बढ़ूं, इस वक्त आ रही है एक और बड़ी खबर। जी हां, विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, 15 जनवरी को खत्म हो रही है चुनावी गाइडलाइंस, चुनाव आयोग जारी कर सकता है नई गाइडलाइंस, इस वक्त की बड़ी खबर। राजनीतिक दलों पर हो सकती और सख्ती, रैलियों और सभाओं पर जारी रह सकती है पाबंदी, इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर, पाबंदियां रह सकती है जारी, चुनाव आयोग जारी कर सकता है नए पाबंदियां। जी हां, और इस रोक को भी आगे बढ़ा सकता है। आइए लौटते हैं अपने मेहमानों की ओर, और सबसे पहले मैं राजेश बादल जी के पास जाना चाहूंगा। बादल साहब, इस वक्त की इस बड़ी खबर पर पहली टिप्पणी आपकी, चुनाव आयोग जो आंकड़े आ रहे हैं उसको लेकर यह पाबंदी जारी रख सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर है, और कुछ और नई सख्तियों का ऐलान कर सकता है, राजेश बादल जी। इसमें कल चुनाव आयोग की दोपहर को, शाम को एक और बैठक होगी, जिसमें कल शाम तक उनके दिशा निर्देशों का सियासी पार्टियों ने किस तरह से पालन किया है उसकी समीक्षा की जाएगी, और इसके साथ ही राज्य के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो मुख्य सचिव के द्वारा आएगा उससे एक दो हफ्ते की रिपोर्ट मांगी जाएगी कि इस दो हफ्ते में किस तरह से कोरोना के नए जो नया वेरिएंट आया है उसका विस्तार हुआ है या वो बढ़ा है या घटा है। अगर ये स्थिति नियंत्रण में डालने वाली है तब निश्चित रूप से शायद थोड़ी सी ढील चुनाव आयोग दे दे, अन्यथा मुझे जो लगता है कि जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, और उत्तर प्रदेश और से भी आंकड़े आ रहे हैं और बाकी राज्यों से भी जो आंकड़े आ रहे हैं, चुनाव आयोग को चाहिए, और शायद ऐसा ही होगा,
कि अगले चुनाव के मतलब आखिरी राउंड के मतदान तक चुनाव आयोग सारे वर्चुअल एड्रेस, रोड शो और सभाएं स्थगित रखेगा, उसके बाद ही कोई निर्देश नए जारी करेगा। जी बादल साहब, आपकी इस जानकारी, जी आप कुछ और कहना चाह रहे थे? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी जहां तक जो मेरे सूत्रों से जो खबर मिली है, चुनाव आयोग अपनी दिशा निर्देशों को फिर से 7 या 10 मार्च तक के लिए बढ़ा सकता है। अभी जी, वो बढ़ा सकता नहीं, है सूत्रों के, जर्नलिस्ट रिमेन अ जर्नलिस्ट। बादल साहब, आपकी सूत्रों के हवाले से जो खबर आपने दी है, मुझे ऐसा लगता है पत्रकार हमेशा पत्रकार होता है और आप टीवी की नब्ज जानते हैं कि ब्रेकिंग क्या होता है, तो आपने अपने वक्तव्य में जो ब्रेकिंग दी है वो ये है कि चुनाव आयोग 10 मार्च तक ये पाबंदियां जारी रख सकता है। और मैं ये हवाला नहीं दूंगा कि ये सूत्रों के हवाले से, मैं कह सकता हूं कि इंडिया का सवाल कार्यक्रम में राजेश बादल जी ने ये खबर ब्रेक की थी। आपके टीवी स्क्रीन पर फिर एक समानता, जी हां, ब्रेक के बाद की समानता आप देखिए दोनों प्रवक्ताओं को। डॉक्टर अभिषेक राय के सिर पर टोपी नहीं थी ब्रेक के पहले, और ब्रेक के बाद इस समय डॉक्टर अभिषेक राय के ऊपर लाल टोपी है, यानी दोनों प्रवक्ता इस समय एक दूसरे पर लाल जरूर हो रहे हैं, लेकिन लाल से प्रेम भी दिखाई देता है। जी हां, सृष्टि कश्यप सिंह। सृष्टि जी, मैं दोनों प्रवक्ताओं पर जाऊं उससे पहले, ना मास्क ना सामाजिक दूरी, और जो इस समय जानकारी आ रही है कि चुनाव आयोग ये पाबंदी और सख्तियां और बढ़ा सकता है। देखिए, मास्क ना लगाना, सामाजिक दूरी ना मेंटेन करना, ये जनता की जान को जोखिम डालने का एक कार्य है जिसकी निंदा होनी चाहिए, एंड एक्शन शुड फॉलो इट। चाहे वो किसकी वजह से भी भीड़ आई हो, लेकिन वहाँ भीड़ जुटी, आपने भीड़ को हटाने का कोई कार्य नहीं किया, कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। और अगर इस गाइडलाइन को आगे बढ़ाते हैं, अगर इस रोक को 15 जनवरी से हटा के अगर 10 मार्च तक भी ले जाते हैं, देन आई थिंक अगर इफ इट्स इन द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, देन प्लीज गो अहेड विद इट। हम तो ये चाहते हैं कि अगर आप चुनाव करा ही रहे हैं, आज जो डिजिटल इंडिया का जो नारा दिया है, तो डिजिटल इंडिया के तहत ऑनलाइन वोटिंग भी एक ऑप्शन होना चाहिए हमारे जनता के लिए, क्योंकि आप वहाँ वोटिंग बूथ पे जाएंगे, यू विल टच द सेम बटन अगेन एंड अगेन, तो आप कितना सैनिटाइजेशन करेंगे, कितना ध्यान रखेंगे आम जनमानस के हेल्थ और उसकी सेफ्टी का। तो बेहतर होता अगर हम इस चुनाव का भी एक ऑनलाइन ऑल्टरनेटिव ले आते, अगर सारी चीज़ें ऑनलाइन है, देन व्हाई नॉट द वोटिंग एज वेल। जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के प्रयोग, हालांकि बिहार चुनाव, पश्चिम बंगाल, हमने देखा कि कोरोना काल में चुनाव आयोग ने इन राज्यों में भी चुनाव कराए, लेकिन आपका ये सुझाव, मुझे ऐसा लगता है कि अगर चुनाव आयोग के अधिकारी ये देख रहे हैं और आपकी पार्टी के बड़े नेता भी शायद ये सुझाव दे रहे होंगे, तो इस पर गौर करेंगे। लेकिन मैं बढ़ता हूँ दो डॉक्टरों की ओर, डॉक्टर अभिषेक राय और डॉक्टर कौशल कांत मिश्र। मैं चाहूँगा कि दोनों डॉक्टरों को एक फ्रेम में लाया जाए, और उसके साथ साथ डॉक्टर अभिषेक राय, ये आपको भी पता है और डॉक्टर मिश्रा को भी पता है कि ओमिक्रॉन को भीड़ पसंद है, और अगर भीड़ पसंद है तो उसमें ये भीड़ क्यों जुटाता है नेताजी को ये भीड़ देखना अच्छा लगता है? मनीष जी, मैं इस बात पर, देखिए ओमिक्रॉन की जहां तक बात है, और डॉक्टर कौशल कांत जी से एग्री करेंगे, हम दोनों डॉक्टर्स हैं, देखिए ये वेरिएंट जो है ये स्पोरोडिक है, विरुलेंट नहीं है, मतलब ये नुकसानदायक कम है, पर ये फैलता जाता है, ये नेचुरल इम्यूनिटी लाएगा जिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिली। और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा से भी आप ये चीज पूछ सकते हैं, ये सारे कहते हैं ना मेडिकल फेटर्निटी में, ये बात सबको पता है, तो इस वेरिएंट से इतना डरने और घबराने की जरूरत नहीं। हमारी काफी सारी पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी है, और जो नहीं हुए वो उनके लिए ये नेचुरल इम्यूनिटी का काम करेंगे। पहली बात ये मैं इस बात से कह रहा हूँ कि जो ओमिक्रॉन को एक हवा बना जा रहा है, मैं उस पर ये कमेंट कर रहा हूँ। रही बात, हमें बिल्कुल प्रोटोकॉल फॉलो करने चाहिए, सारी बातें हम आपकी मानते हैं, हम चुनाव आयोग के सारे दिशा निर्देश मान के चुनाव लड़ना चाहते हैं और करेंगे। हमने कोई रैली नहीं करी है। आप एक चीज बताए, क्या एक पार्टी कार्यालय में रैली हो सकती है जहां लाखों के हमारे समर्थक इंतजार कर रहे हैं कि हमारे विजय रथ का, और हमने वो अपना विजय रथ रोक दिया क्योंकि इस समय ओमिक्रॉन फैल रहा था। तो हमें भी जो कहते हैं जो सरकार के गाइडलाइंस है और जो चुनाव आयोग के गाइडलाइंस, हम उसको फॉलो करना चाहते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है, आज जो भी कुछ हुआ, कहते ना कि हम वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उसमें इतने सारे समर्थक थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से टूट के इतने मंत्री और विधायक आज शामिल हो रहे थे,
कल परसों में भी कुछ और लोग आके शामिल हो रहे हैं, लेकिन आगे इस चीज का ख्याल रखा जाएगा और स्ट्रिक्टनेस इसमें बढ़ाई जाएगी। डॉक्टर राय, ये माना जाए कि आपने कहा कि आगे ख्याल रखा जाएगा, तो आपको आज की जुटी भीड़ पर खेद व्यक्त कर रहे हैं आप? हम भीड़ पे खेद नहीं कर रहे। देखिए मैंने क्या बोला, जनता का चुनाव है, जनता ही सब कुछ है, और जनता अगर वहां पे आ रही है, वो कह रही है कि अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है, तो आप कैसे रोक सकते हो उस उन्मादी भीड़ को, वो अति उत्साहित भीड़ को जी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि फिजिकल फोर्स समाजवादी पार्टी ज्यादा है, इसलिए ज्यादा है कि हमारे बूथ के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। वो हर गांव 5 की टोली में बना के डोर टू डोर प्रचार करने के लिए एकदम तैयार है, हमारी टीम एकदम तैयार है। देखिए कहते हैं ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी आप क्या है उत्तर प्रदेश में सबको पता है। कई डिबेट्स में बैठा हूं, आप देखते होंगे कि कभी मेरे नेटवर्क आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। आप ये चीज सब जगह लागू होती है, और आज की डेट में जो जनता जिसको खाना नहीं मिल रहा है, क्या वो इंटरनेट चला के वर्चुअल रैलीज में पार्टिसिपेट करेगी? आज महंगाई से जनता परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। डॉक्टर राय, मैं डॉक्टर मिश्रा के चेहरे पर बेचैनी देख रहा हूँ आपके इन तमाम सवालों को, जिस हिसाब से आप उनकी किलाबंदी कर रहे हैं। और मैं आज ये भी नहीं कह सकता कि आप डॉक्टर कौशलकांत मिश्र के आसपास लाल किलेबंदी कर रहे हैं, क्योंकि आज दोनों आप लाल में रंगे हुए हैं। डॉक्टर मिश्रा, मनीष जी, पहले तो इस लाल टोपी और लाल छतरी का फर्क बता देता हूं। आप देखिएगा, अगले आने वाले टाइम में जितने 10 तारीख के बाद जितनी लाल टोपियां हैं, क्योंकि वो सब अपॉर्चुनिस्टिक लाल टोपियां हैं, हर आदमी ने अपॉर्चुनिटी देखी और सर पे लाल टोपी रखी है, और वो सारी लाल टोपियां बदल करके अभी एक कमल वाले ने अपने लाल छतरी लगाई है। आप देखिएगा 10 तारीख के बाद। डॉक्टर राय, लेट अस रिस्पेक्ट, लेट अस हैव अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यू बोथ आर डॉक्टर्स, लेट हिम स्पीक। नहीं, मनीष जी, 10 तारीख के बाद, 10 तारीख के बाद सारे लाल टोपी वालों की टोपियां गायब हो जाएंगी, सारे कमल के ऊपर ये लाल छतरी आ जाएगी, और कमल वाला ही है जिसके ऊपर लाल छतरी बन के लाल टोपी रहेगी। आप चिंता न करिए, सारी टोपियां गायब हो जाएंगी, केवल लाल छतरी कमल वाले के पास रहेगी, क्योंकि ये सब भाग जाएंगे। और आपने देखा, जैसे ही योगी जी का की सरकार का शासन कमजोर हुआ, आचार संहिता लगी, वैसे ही आपने देखा, वैसे ही मनीष जी, अरे भाई साहब, मनीष जी ये देखिए, ये दिस इज नॉट द वे ना। अभी आप इतनी बात कर रहे थे, अब मुझे थोड़ा समय चाहिए, सुन लीजिए। मैं तो जैसे अच्छा सा डिबेट चल रहा था, चुटकीला सा डिबेट चल रहा था, हमने आपकी टोपी को अपनी छतरी बना लिया, तो इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आगे 10 तारीख के बाद यही होने वाला है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो ये बात कर रहे हैं, अभी जिस तरीके से कोरोना के प्रोटोकॉल की बात हो रही है, मैं जितने भी कार्यकर्ता थे जो वहां आए थे, बहुत अच्छी बात होती कि अगर समाजवादी पार्टी के लोग सैनिटाइजेशन और मास्क उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो शायद इतना बवाल नहीं होता। और देख लीजिएगा कि इस तरीके का प्रोटोकॉल जब इन्होंने किया है, तो और भी राजनीतिक दल शायद इस तरह की गलतियां करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। और मेरी मित्र कांग्रेस की प्रवक्ता जी बैठी हुई है, मैं उनके ऊपर एक टिप्पणी करना चाहूंगा। डॉक्टर मिश्रा, डॉक्टर राय, आप लोग 2 मिनट रुकिए इसी भीड़ पर। आखिर भीड़ क्यों जुटी, आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, आपको वो सुना। साथ ही साथ बारी बारी से विकेट बिगड़ेगा, बारी बारी से ज्वाइनिंग भी होगी, बारी बारी से एक एक दिन भारतीय जनता पार्टी को लगातार एक एक करके सारे इनके जो भी पत्ते हैं, उस सारे पत्ते हम इनके साफ करेंगे। 2017 के पहले जो इनको 14 साल का वनवास था, फिर से उसी वनवास में भेजने की तैयारी है। और हमारी तैयारी ये भी है कि 10 मार्च 2022 को जब चुनाव परिणाम आए, तो भाजपा का सुपड़ा साफ, समाजवादी पार्टी की सरकार।
सर एक और सवाल, आपने ये कहा कि आप जिस भी पार्टी में रहे और फिर जब वहाँ से हटे तो वो पार्टी साफ हो गई, चाहे आपने बसपा का उसमें जिक्र किया था। अब आपने बहुजन समाज पार्टी का सब कुछ देख ही रहे हैं और आज बहन जी कहाँ है, बहुजन समाज पार्टी कहाँ है। अब 10 मार्च 2022 के बाद मैं फिर आपसे मिलूंगा और ये भी बताऊंगा कि अब भारतीय जनता पार्टी पहले क्या थी और आज क्या है। इसकी जो पुरानी हैसियत थी 42 विधायक की, उसके इर्द गिर्द में ले जाकर के इसको समेट दूंगा। आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल ये है कि आज जो समाजवादी पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम हुआ उसको लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करने के लिए कहा है, क्योंकि कहा है कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, बिना परमिशन के इतनी भीड़ जुटाई गई। और देखिए पार्टी कार्यालय के अंदर, पार्टी कार्यालय के अंदर कृषि कार्यक्रम की कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, पार्टी कार्यालय इसीलिए होता है और वहां बहुत पर्याप्त जगह है, इसलिए प्रोटोकॉल के नियमों को पालन करते हुए जगह जगह वर्चुअल कार्यक्रम है तो LED कैमरे लगे थे, भीड़ इकट्ठी न हो इसलिए जहां जहां भिन्न भिन्न आज 50 बड़े बड़े LED लगे थे और उसके माध्यम से कार्यकर्ता जगह जगह देख रहे थे। तो इसलिए वो तो जितना हमें छेड़ेंगे और जितनी ही कानूनी कार्रवाई करेंगे उतनी बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। कहा कोई मास्क भी नहीं लगाया था, सारी ये भी चीजें कही। सभी मास्क लगाए थे, मैं स्वयं मास्क लगाया था। जी हाँ, नेता जी हैं जो मान नहीं रहे कि चूक हुई, उलट ये कह रहे हैं कि अगर कार्रवाई हुई। जी हाँ, वो शायद ये भूल गए हैं कि पैंडेमिक का मतलब क्या होता है, महामारी का मतलब क्या होता है। 100 बाद ये महामारी आई है, हजारों लाखों जाने चली गई, लेकिन नेताजी का इससे कोई सरोकार नहीं। सबसे पहले मैं चलता हूं अभिषेक राय जी के पास। डॉक्टर अभिषेक, आपकी पार्टी में आए नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को इस बात से कोई लेना देना नहीं, जो हुआ उसकी चिंता नहीं, अगर कार्रवाई हुई तो आगे आपने भी सुना है, लाखों करोड़ों दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उन्होंने भी सुना है, इसे मान लिया जाए वो चेतावनी है। मनीष जी, जिस तरह से सरकार विपक्ष का गला दबाने की कोशिश कर रही है, चाहे कोई भी घटना ले, जैसे लखीमपुर की घटना हुई जहां पे थार से किसानों को रौन दिया गया, और आप देखिए जिस तरीके से लखीमपुर में ले गया मामला, अभी बात हो रही है। राय साहब आपने शुरुआत की थी। मैं बोल रहा था, आप जिसे बोले थे ना, आप जवाब गलत डायरेक्शन बोल रहे थे। पहले जो मौर्य जी ने बोला उस पर जवाब दीजिए, ये कुछ नहीं है मनीष जी, ये कुछ नहीं है। अभी तक यही मौर्य जी जब भारतीय जनता पार्टी थे तो कानून के पालक होते थे, ऐसे ही ये सपा में गए हैं, इनकी गुंडागर्दी चालू हो गई। ये वही पार्टी है जिसके लिए नारा दिया जाता था, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। आप देखिए ना, ये पार्टी असर है, ये पार्टी का 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 असर है कि चुनाव आयोग को धमकाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी में जब तक थे तब तक इन्होंने हमेशा कानून को फॉलो किया, नियम के हिसाब से चले, और जैसे ही इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की आप देखिए दोबारा ये धमकी देने लगे, और धमकी भी किसको दे रहे हैं, चुनाव आयोग को धमकी दे रहे हैं। अब तो चुनाव आयोग को सोचना पड़ेगा कि उसे कोई कार्रवाई करनी चाहिए नहीं। ये लखनऊ के DM को धमकी दे रहे हैं, ये प्रशासन को धमकी दे रहे हैं, ये केवल और केवल समाजवादी पार्टी का असर है, यही है गुंडों की पार्टी। जनता देख रही है जिस तरीके से मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते ही सबको धमकी दी, प्रशासन को धमकी दी। अभी तक यही मौर्य जी हमारे भारतीय जनता पार्टी में थे, इतने सभ्य थे, कानून के पालक थे, जैसे ही उन्होंने गुंडों की पार्टी ज्वाइन की गुंडागर्दी उन्होंने भी चालू कर दी।
और उसी गुंडागर्दी का नतीजा है कि वो अब चुनाव आयोग को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं और प्रशासन को धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बताइए, आप इस पे जवाब दीजिए ना, जो उन्होंने धमकी थी उसके बारे में क्या जवाब देना चाहेंगे? आज आचार संहिता लग चुकी है और आचार संहिता लगने के बाद भी जिस तरीके से धमकी दी जा रही है प्रशासन को, इसी को गुंडागर्दी कहते हैं। ये दोबारा वही मंजर नजर आ रहा है जो 2017 के पहले जनता ने देखा था। दोबारा वही मंजर गुंडागर्दी का 10 तक चलेगा, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, 10 मार्च तक इस गुंडागर्दी की लगाम 10 मार्च को टाइट हो जाएगी और 10 मार्च को ये सारे गुंडे जो भी गुंडागर्दी करेंगे उनके ऊपर हमारा बुलडोजर फिर चलेगा। अभी चुनाव आयोग की आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए कोई भी कैसी भी गुंडागर्दी कर सकता है। इसे ही कहते हैं राजनीतिक गुंडागर्दी। ये जो गुंडागर्दी है, आप देखिए यही नेता जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो बिल्कुल नहीं करते थे, जैसे ही समाजवादी पार्टी में गए इन्होंने दोबारा गुंडागर्दी चालू कर दी। ये पार्टी का असर है, इसीलिए गुंडों की पार्टी कहा जाता था। ये वही पार्टी है, ये वही पार्टी है जिसने मायावती सरकार की 26 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब योजनाओं पर रोक लगा दी। बताया आपको मायावती की 26 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति योजनाओं पर रोक लगा दी थी। इसने अंबेडकर ग्राम सभा योजना का नाम बदल दिया था। इन्होंने 2016-17 में छात्रों की छात्रवृत्ति, दलित छात्रों की छात्रवृत्ति रोक दी थी और उस छात्रवृत्ति को रोक मदरसे में ट्रांसफर करने डॉक्टर राय थी। डॉक्टर राय डॉक्टर मिश्रा मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आप लोग थोड़ा सा आराम करें हमारे साथ विश्लेषक के रूप में। जी सृष्टि आप अपनी बात रखें तो मैं बादल जी के पास जाऊं फाइनल कमेंट के लिए। सृष्टि मनीष जी, मैं अपनी पार्टी की बात करूँ, यहाँ बहुत देर से बहुत चलम चली हो रही जो कि आपके डिबेट्स पे जनरली होती नहीं है। बहुत अच्छे से एक लाइट वेट डिबेट की आपने शुरुआत की थी। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले जनहित को सर्वोपरि रखे, कोविड प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए आचार संहिता लगने के पहले, चुनाव आयोग के कहने के पहले प्रियंका गांधी जी ने निर्णय लिया अपने सभी कार्यक्रम को स्थगित करने का। उसके पहले 2020 में जब कोविड की पहली लहर आई भी नहीं थी तब भी राहुल गांधी जी वो देश के पहले नेता थे जिन्होंने इस पूरे देश को अवगत कराया था, चेताया था कोविड के बारे में। और यूथ कांग्रेस ने सड़कों पर उतर के पहली और दूसरी लहरों में जनता के लिए काम किया, प्लाज्मा डोनेट कराने से लेकर हॉस्पिटल बेड अवेलेबल कराने तक ये सारे काम किए हमारे पार्टी ने। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आज की कांग्रेस जो करती है, जो कहती है वही करती है। हमने बोला हम कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखेंगे, कल प्रियंका गांधी जी की जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस किसे कहते हैं, बाकी पार्टियों को उससे सबक लेनी चाहिए। उसके बाद हमने महिला सशक्तिकरण की बात की, हमारे लिस्ट में आप नाम देख लीजिए, वहां पे भी हमने जो कहा वो हमने किया। एट द एंड ऑफ इट, अगर लास्ट में अगर मैं एक बात बोलूंगी, जब यहाँ लाल और भगवा और अलग अलग कलर्स का डिस्कशन हो रहा है कि किसकी टोपी किसकी छतरी, उत्तर प्रदेश की जनता 10 मार्च के बाद अपने हाथों में तिरंगा लेके घूमेगी। न लाल, न भगवा, न टोपी, न छतरी, तिरंगा होगा उनके हाथों में। जी सृष्टि जी, आपकी उम्मीद और आपका हौसला अपने आप में, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, शाब्दिक रूप से वो हौसला आप में दिख रहा है। डॉक्टर मिश्रा, थोड़े में आप कहें तो मुझे बादल जी के पास जाना है। बिल्कुल, बस थोड़ा सा मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ लेकिन केवल उत्तर प्रदेश में और कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और इनकी सपोर्टेड केरला, कहीं पर भी बालिकाओं को मुफ्त ग्रेजुएट तक शिक्षा नहीं है जो केवल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दी है। बालिकाओं को मुफ्त छात्रवृत्ति की योजना दी गई है और मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था की गई है। केवल उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर मिश्रा, हमारी बहस का मुद्दा बहक जाएगा क्योंकि मेरे पास वक्त कम है और आने वाले समय में लगातार जो बहस होगी वो इन 5 राज्यों के चुनाव और उसमें हो रही सियासत के इर्द गिर्द ही होगी। हम ये मुद्दा किसी और दिन चर्चा और बहस कर लेंगे। राजेश बादल जी, मेरा सवाल आपसे ब्रेक पर जाने से पहले, मैंने कहा था क्या चुनाव आयोग टूथलेस टाइगर है क्या? मैं 2-3 बातें आपसे जल्दी में कह दूंगा, आप अपना जवाब कह दीजिएगा।
जी हाँ, चुनाव में चुनाव आयोग ने कोरोना गाइडलाइंस जारी की, धज्जियां उड़ी। बात करें चुनाव आयोग से, अगर डीएम वहां का अधिकारी होता है तो आपने स्वामी प्रसाद मौर्य को सुना कि किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती, हालांकि कई राज्यों में 144 लागू है। तीसरा मेरा आपसे सवाल, क्या चुनाव आयोग टूथलेस टाइगर है? और चौथा सवाल बादल साहब मेरा आपसे यह है कि आखिर क्या कार्रवाई हो सकती है? मैं मनीष चौथे सवाल से आपकी उत्तर की शुरुआत करूंगा। चौथे सवाल का उत्तर यह है कि कार्रवाई तो ऐसी हो सकती है कि स्वामी प्रसाद जी को और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेने के देने पड़ जाएंगे। आज की तारीख में अगर कोई खोजी पत्रकार इस बात पर लग जाए कि जिन लोगों को आज बुलाया गया, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में इकट्ठा किया गया, बंद करा गया, और आज के बाद उनमें से कोई कोरोना पॉजिटिव हुआ और उनमें से किसी की डेथ हुई, तो हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप स्वामी प्रसाद जी पर लगेगा और अखिलेश जी पर लगेगा, जो बहुत गर्व से इतनी भीड़ को देख करके सीना फुला के बात करते हैं। उनको मैंने फिर दोहराऊंगा कि समाज की सेहत की चिंता नहीं है, समाजवादी नहीं, वो असमाजवादी हैं, असामाजिक हैं। पहली चीज तो मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं। दूसरा, चुनाव आयोग टूथलेस टाइगर तो नहीं है, क्योंकि हमने टीएन शेषन का जमाना देखा है और उस जमाने में हमने देखा है कि टीएन शेषन किस तरह से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते थे। चुनाव आयोग अगर अपने हक अपने अधिकार का इस्तेमाल करेगा तो ये सारी राजनीतिक पार्टियों को का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ समय से हम चुनाव आयोग का वो रूप देख रहे हैं जो शायद इस वक्त में इस काल के लिए मौजूद नहीं है, प्रासंगिक नहीं है। तीसरी बात, आपके सवाल का उत्तर यह है कि जिस तरह से ये प्रचार हो रहा है और हम लोगों ने जैसे बात शुरू की थी, मुझे दुष्यंत का एक शेर याद आता है कि कैसे हम लोगों ने किस मंजर बना दिया था, जैसे सृष्टि ने कहा कि आपके शो में इस तरह की बात नहीं होती है। हेलो जी, आप अपनी बात जारी रखें बादल साहब। तो दुष्यंत ने करीब करीब 45 बरस पहले लिखा था कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब ये कमल कुमलाने लगे हैं। तो ये मंजर आएंगे, चुनाव का पहला चरण है, अभी ये शुरू होने दीजिए। अगर कोई भी पार्टी ने इस तरह के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया और इस तरह के समाज की सेहत के साथ खिलवाड़ किया तो मतदाता उन्हें माफ नहीं करेंगे। और मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर किसी की रैली के बाद कोई डेथ हुई कोरोना की वजह से, तो फिर उसमें हत्या की साजिश में शामिल होने के सह आरोपी उस पार्टी के लोग होंगे जिस पार्टी में वो लोग शामिल हुए हैं, जी जिसका भीड़ में वो शामिल हुए हैं। जी बादल साहब, जी राजेश बादल दुष्यंत साहब के जिस शेर का वर्णन कर रहे थे, राजेश बादल साहब भी उसी शहर उसी नगरी भोपाल से आते हैं। राजेश बादल साहब राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आ पाए, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, सृष्टि कश्यप सिंह, डॉक्टर अभिषेक राय, जी आप सबका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन जाते जाते डॉक्टर कौशल कांत मिश्र, सृष्टि कश्यप सिंह और डॉक्टर अभिषेक राय की एक बात पर जाते जाते मैं अपनी टिप्पणी करना चाहता हूं, वो ये कि सृष्टि ने कहा कि आखिर 10 मार्च के बाद छतरी का रंग कैसे बदलेगा। जी हां, सियासत वाले अपने रंग बदलते रहे छतरी के, छतरी का केवल एक ही रंग होता है, वो है मानवता की छतरी, जिसे नीली छतरी वाले को कहते हैं। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।